नमस्कार, ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा, कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ पूजा सोनी और आपको सुना रही हूँ लेखिका पुष्पा कुमारी पुष्प की कहानी गुल्लक। क्या बात है, यहाँ भीड़ क्यों लगा रखा है? सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर ने नो पार्किंग में खड़े ऑटो का चालान काट चुके हवलदार और फाइन देकर अपना ऑटो वापस लेने आए उस ऑटो ड्राइवर को उसके पूरे परिवार के साथ वहाँ खड़े देख काफ़ी देर से चल रहे मसले को जानना चाहा। कुछ नहीं सर, फाइन से बचने के लिए तमाशा कर रहा है, उस ट्रैफिक हवलदार ने अपने सीनियर की ओर देखे बिना ही चालान की रसीद पर नज़र टिकाए सारी बात साफ कर दिया। लेकिन इंस्पेक्टर ने पूछ लिया, क्या कह रहा है? फाइन देने के लिए पैसे नहीं है, बच्चे का गुल्लक लेकर आया है। गुल्लक? इंस्पेक्टर को हैरानी हुई। कहता है पूरे लॉकडाउन के दौरान कोई इनकम नहीं हुई और अब अगर ऑटो यहाँ खड़ा रहा तो परिवार के भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। हवलदार ने चालान की पर्ची संभाल मिट्टी का एक गुल्लक अपने सीनियर इंस्पेक्टर के सामने टेबल पर रख दिया। ऑटो ड्राइवर अपने परिवार के साथ हाथ बांधे खड़ा रहा, लेकिन गुल्लक टेबल पर रखा देख उस ऑटो ड्राइवर का 7-8 वर्ष का लड़का थोड़ा आगे आया। इसे मत तोड़िए। इंस्पेक्टर की निगाहें उस बच्चे पर पल भर के लिए ठहर गई, लेकिन उस बच्चे ने फिर से निवेदन किया, आप सारे पैसे ले लीजिए, बस गुल्लक मत तोड़िए। इसे बिना तोड़े पैसे कैसे निकलेंगे? मैं निकाल दूंगा। जादू जानता है या झूठ बोलता है? बच्चे की बात सुन इंस्पेक्टर नाराज हुआ, लेकिन बच्चा डरा नहीं। सच बोल रहा हूँ, माँ मांगती है तो निकाल कर देता हूँ ना, है ना माँ? उसने अपने पीछे खड़ी माँ की ओर देखा, लेकिन उसकी माँ उसकी छोटी बहन को सीने से लगाए नजरें झुकाए चुप रही। चल निकाल कर दिखा। ये कहते हुए इंस्पेक्टर ने वह मिट्टी का गुल्लक बच्चे की ओर बढ़ा दिया। बच्चे ने गुल्लक को उल्टा कर थोड़ा हिलाया और एक सिक्का उस मिट्टी के गुल्लक से निकल कर वहीं टेबल पर गिर पड़ा। बच्चा मुस्कुराया, देखा निकाल दिया ना। बच्चे ने टेबल पर से सिक्का उठाकर इंस्पेक्टर के हाथ पर रख दिया और फिर से गुल्लक से सिक्का निकालने की कोशिश करने लगा। बस हो गया, इंस्पेक्टर ने उसे रोक दिया। इंस्पेक्टर ने बच्चे के पीछे खड़े उस ऑटो चालक के पूरे परिवार को गौर से देखा। दुबले पतले शरीर का वह ऑटो चालक डरा सहमा हाथ जोड़े कातर निगाहों से कभी इंस्पेक्टर और कभी उस ट्रैफिक हवलदार की ओर देखता सर झुकाए खड़ा था। वहीं बगल में खड़ी उस बच्चे की माँ अपनी छोटी सी दूध मही बच्ची को अपने फटे पुराने आंचल से ढके अपने बेटे को पीछे अपने करीब खींचने की भरसक कोशिश करती खड़ी थी। ये गुल्लक किसका है? इंस्पेक्टर ने टेबल पर रखा मिट्टी का गुल्लक उठाकर अपने हाथ में ले लिया। मेरा है, उस बच्चे ने उम्मीद भरी निगाहों से
अपनी गुल्लक की ओर देखा। तो अपने पास रखना था ना, अपने बाप को क्यों दिया? इंस्पेक्टर उस बच्चे पर तनिक नाराज हुआ। गुल्लक मेरा है, लेकिन पैसे तो बापू के हैं। बच्चे की बात सुन इंस्पेक्टर हैरान हुआ, लेकिन बच्चे ने अपनी बात पूरी की। इस गुल्लक में रखने के लिए बापू मुझे सिक्के देते हैं। इंस्पेक्टर ने बच्चे की ओर गौर से देखा। लेकिन अब तुम ये पैसे अपने बापू को क्यों देना चाहते हो? इंस्पेक्टर का सवाल सुन बच्चा मुस्कुराया। बापू भी तो मेरे ही है ना, वो कमाकर मेरी गुल्लक फिर भर देंगे। आत्म स्वाभिमान से भरे बच्चे की यह बात सुनकर इंस्पेक्टर ने वह मिट्टी का गुल्लक बच्चे की ओर बढ़ा दिया। तुम अपना गुल्लक ले जाओ। बच्चे के साथ साथ ऑटो ड्राइवर और उसे ट्रैफिक हवलदार को भी आश्चर्य हुआ। लेकिन इंस्पेक्टर ने नो पार्किंग में खड़े ऑटो का फाइन अपनी जेब से भरकर ऑटो ड्राइवर और उसके परिवार को उनके ऑटो संग रवाना किया। सर, लगता है बच्चे ने आपको इमोशनल कर दिया। हवलदार अपने साहब की ओर देखकर मुस्कुराया, लेकिन उस ट्रैफिक हवलदार की ओर देखते सीनियर इंस्पेक्टर के चेहरे की गंभीरता बरकरार रही। नहीं, उसने मुझे कुछ याद दिला दिया। क्या सर? अपने सीनियर के शब्दों की गंभीरता को देखते हुए वह ट्रैफिक हवलदार तनिक सतर्क हुआ। पुलिस वाले के हाथ में सिर्फ डंडा ही नहीं, सीने में एक दिल भी होता है। बात तो सही है सर, लेकिन लेकिन वेकिन कुछ नहीं, कभी कभी अपने दिल को भी उसकी मर्जी से धड़कने की इजाज़त दे देनी चाहिए। इंस्पेक्टर मुस्कुराया। बस ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे पूजा सोनी की आवाज़ में लेखिका पुष्पा कुमारी पुष्प की कहानी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।